हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं राशिद आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट्सएप के बारे में लेटेस्ट अपडेट और क्या है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा स्टेप आया है जिससे हमें ये लगता है कि व्हाट्सएप हो सकता है बैंड। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक ताकि आप इस वीडियो के बारे में पूरा डिटेल में जान पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। व्हाट्सएप के ऊपर इससे पहले भी हम लोगों ने और बहुत सारे क्रिएटर में मैंने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ ऐसा न्यूज़ था उस वक्त के लिए कि आपको एग्री करना पड़ेगा व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को और आपके पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था। हम लोगों ने आपको सही जानकारी यही दी है कि आप उस एग्री अगर नहीं करते हैं तो 8 फरवरी तक उसे आप व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसके बाद से यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने आपको सही जानकारी ये भी दी कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास अगर हमारा गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे जिससे कि व्हाट्सएप को प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, वो जैसी प्राइवेसी पॉलिसी है वैसे ही रहे। तो ऐसा ही हुआ और गवर्नमेंट ने कर दिखाया। व्हाट्सएप के सीईओ को 14 पेज का लेटर लिखा गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इंडियन के जो एप्लीकेशन और प्राइवेसी पॉलिसी ये सारा कुछ नेट के द्वारा जो देखते हैं उसे माइती कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उन लोगों ने लेटर लिखा है 14 पेज का फेसबुक और व्हाट्सएप के सीईओ को। ऐसी बात है, ये खुशी की बात है कि हम लोगों की कोशिश की वजह से गवर्नमेंट तक ऐसी आवाज़ गई जिससे कि वो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। अब व्हाट्सएप जो 14 पेज के लेटर लिखे गए हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल बता देता हूँ ताकि आप समझ पाए कि क्यों हो सकता है व्हाट्सएप। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इंडिया में अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं है जिससे कि कोई भी एप्लीकेशन बनने के पहले या फिर कोई भी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करने से पहले इंडियन गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत पड़े। अब तक के लिए ये है कि प्राइवेसी पॉलिसी या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर कुछ भी कोई किसी को भी यूज़ करने के लिए देती है या फिर कोई भी उस प्राइवेट कंपनी को कुछ भी यूज़ करता है तो इंडियन गवर्नमेंट को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो यूज़र्स उस प्राइवेट कंपनी के कोई भी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो उस कंपनी के प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री करना होगा, उसके बाद ही उसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब तक के लिए ये लॉ है इंडिया में, लेकिन यूरोप कंट्री में जो है वो सारा कुछ यूरोप कंट्री के गवर्नमेंट देखते हैं और बिना उनके परमिशन के कुछ भी प्राइवेसी पॉलिसी या फिर कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं ला सकते हैं वो उस कंट्री में जिसके ज़रिए यूज़र के ऊपर, यूज़र के प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर कुछ भी इफ़ेक्ट पड़े। लेकिन अब ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसा करने वाली है, कुछ ऐसा लॉ लाने वाली है जिसके वजह से कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करने से पहले गवर्नमेंट को ज़रूर बताएगी। ये जो प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट किया है व्हाट्सएप ने सिर्फ इंडियन कंट्री के लिए ही किया है, लेकिन यूरोप कंट्री में ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं आया है जो कि आपके स्क्रीन पे अचानक से आता है एग्री करने के लिए। अगर आप एग्री नहीं करते हो तो आप 8 फरवरी तक यूज़ कर पाओगे व्हाट्सएप को, उसके बाद यूज़ नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ भी यूरोप कंट्री में नहीं हुआ है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर लफ्ज़ों में कहा है ये जो भेदभाव की पॉलिसी आप ला रहे हो इसे आप होशियार हो जाओ, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़र व्हाट्सएप को देने वाला इंडिया है और इंडिया में अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो हमें कुछ ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जिससे कि वो स्टेप आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। सीधे सीधे लफ्ज़ में ये कहा है अगर आप इस टाइप की पॉलिसी लाते हो तो हमें बैन करना होगा आपको। लेटर में बहुत सारा ऐसा कुछ था जिससे कि वो क्लियर हमें ये जानकारी मिल रही है कि हम ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप को बैन कर दिया जाएगा अगर वो ये प्राइवेसी पॉलिसी इंडिया में लाते हैं तो, या फिर गवर्नमेंट को कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे कि प्राइवेसी पॉलिसी और व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी और इंडियन गवर्नमेंट की प्राइवेसी पॉलिसी दोनों एक जगह मैच हो, उसके बाद ही कुछ कर पाए। ऐसे इंडियन गवर्नमेंट लेटेस्ट में बहुत सारे ऐसे स्टेप ले चुकी है एप्लीकेशन के ऊपर या फिर
बैंडिंग के ऊपर, ये सारा कुछ डिटेल मैं आपको वीडियोस में लाता रहता हूँ ताकि आप वो सारा डिटेल जान पाए। और अभी लेटेस्ट में बहुत सारे ऐसे कदम उठा चुकी है जिससे कि व्हाट्सएप समझ चुका है कि हमें भी बैन करना कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन है, सिग्नल है, टेलीग्राम है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि टेलीग्राम में भी मेरा एक अपना चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। था कि बैंडिंग के ऊपर आप लेटेस्ट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप ले चुके हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस को बैन कर चुके हैं, तो व्हाट्सएप ये समझ चुका है। इसलिए वो 8 फरवरी का जो टैगलाइन था वो अब 15 मई तक ट्रांसफ़र किया गया है। इसके बाद भी, 15 मई के बाद भी गवर्नमेंट ने जो 14 पेज का सीईओ को लेटर लिखा है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं लाएंगे आप इंडिया में। अगर आपको लाना है तो वो आप पूरे वर्ल्ड में लाइए तो हम इसके बारे में सोचेंगे, नहीं तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो क्लियर ये कह रहे हैं। अरे मैं आपको देने वाला था, तो शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि वो सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए जो कि अब तक ये सोच रहे हैं कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी खतरे में है। लेकिन आपके पीछे आपकी गवर्नमेंट है अभी, आप कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर 15 मई तक अगर ऐसा कुछ होता है तो नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और उससे बेटर बेटर ऑप्शन है। तो शिफ्टिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, हम लोग उनके उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। यही था वीडियो, शेयर कीजिए इस वीडियो को व्हाट्सएप पे भी ताकि व्हाट्सएप को कुछ समझ में आ जाए कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तो वो प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट ना करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप अगर ठीक नहीं होंगे तो मेरे वीडियोज़ कौन देखेगा।